नमस्कार, आप सभी किसान भाइयों का विनर्भाव से स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी से। मैं हूं जय कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार कृषि विभाग के कृषि इनपुट अनुदान योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख रहे हैं रबी 2019-20 मौसम में मार्च माह में दिनांक 4-6 एवं 13-15 मार्च को हुई असामयिक अत्यधिक वर्षा या आंधी या ओलावृष्टि के कारण सभी जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में प्रभावित रबी फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का भी बटन अवश्य दबा दें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपको पहुँचे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ साथ किसी भी राय के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है? तो राज्य में रबी 2019-20 मौसम के मार्च माह में दिनांक 4-6 एवं 13-15 मार्च को हुई असामयिक अत्यधिक वर्षा आंधी ओलावृष्टि के कारण खरीफ फसलों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के प्रभावित प्रखंडों में किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय मापदंडों के अनुरूप दिया जाएगा। असामयिक वर्षापात या ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से अनुदान देय होगा, जो कि है, पहला है वर्षा आश्रित असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर, और दूसरा है सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये अनुदान देय है। उनके बाद चलिए फ्रेंड जानते हैं अनुदेश क्या है। तो इस योजना का लाभ सभी जिले के प्रतिविधित प्रखंडों के ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं है, वे कृषि विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर दिए गए लिंक DBT इन एग्रीकल्चर पर या डायरेक्ट dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा ले। किसान अपना DBT पंजीकरण अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस केंद्र या वसुधा केंद्र या ई किसान भवन से निशुल्क करा सकते हैं। वैसे किसान जो पूर्व से www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जो किसान पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे असमय वर्षा आंधी ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ साथ आवेदन प्रपत्र डिस्प्ले पे आ जाएगा। उनके बाद आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनके बाद है अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं है तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उनके बाद है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। किसान स्वयं अपने मोबाइल या लैपटॉप से या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या कंप्यूटर सेंटर या वसुधा केंद्र से DBT पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उनके बाद है कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन निम्न प्रकार के लिए किसान स्वतंत्र है। पहला है किसान अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं, जो कि निशुल्क है। दूसरा है प्रखंड स्थित ई किसान भवन से भी आप निशुल्क करा सकते हैं। और उनके बाद कॉमन सर्विस केंद्र CSC या वसुधा केंद्र पर 10 रुपये शुल्क का भुगतान कर आवेदन करा सकते हैं। और लास्ट है अन्य किसी कंप्यूटर सेंटर से अपनी सुविधा के अनुसार अनुदान करा सकते हैं।
रबी 2019 के मार्च माह में दिनांक 4, 6 एवं 13, 15 मार्च को हुई असामयिक वर्षापात ओलावृष्टि से प्रभावित किसान भाई बहन से अनुरोध है कि सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावे। साथ साथ दोस्तों यहां पर यह भी बताया गया है कि आवेदन करने की तिथि 28 मार्च 2020 से 18 अप्रैल 2020 तक है। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800180155 पर संपर्क कर सकते हैं और स्थिति के बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप डैट आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी कॉमेंट के लिए हमें ज़रूर लिखें और साथ में अपनी क्वेश्चन को भी रखें। और फ्रेंड्स, अंत में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद।